करीब एक सप्ताह पहले राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में वह स्टंट करते हुए रील बनाते हुए नजर आए और जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हाहाकार मच गया। सीएम से भी सवाल पूछने की कोशिश की गई, डिप्टी सीएम ने भी अपने बेटे को निर्दोष बताया। हालांकि अब करीब एक सप्ताह बाद आरटीओ की ओर से इस वीडियो को लेकर उनके बेटे का चालान काटा गया है। आरटीओ की ओर से कहा गया है कि गाड़ी को बिना परमिशन के मॉडिफाई किया गया, बेल्ट नहीं लगाया गया और इसके लेकर 7,000 का चालान काटा गया। दरअसल जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा अपने बेटे का पक्ष लेते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने कहा, मैं भाग्यशाली हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझ जैसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया और मेरे डिप्टी सीएम बनने के बाद अब जो लोग हैं वो मेरे बेटे को भी पूछ रहे हैं। स्टंट को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है। अब जब मुझे डिप्टी सीएम बनाया गया है तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में मेरे बेटे को साथ लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आरटीओ का तर्ज था कि बिना परमिशन के, बिना मंजूरी के गाड़ी को मॉडिफाई किया गया। रील बनाने के चक्कर में खतरनाक स्टंट किए गए, गाड़ी में बेल्ट भी नहीं लगाया गया और अब आरटीओ की ओर से 7,000 का चालान काट दिया। चालान काटने से पहले राजस्थान की सियासत में एक बवाल सा आ गया था, क्योंकि जिस तरह डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा अपने बेटे का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे थे तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष यानी कि कांग्रेस प्रेमचंद बेरवा को घेरती हुई नजर आ रही थी। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, सिक्योरिटी का हवाला भी दिया जा रहा था कि उनकी बेटी को सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। इस तरह के आरोप लगाते हुए प्रेमचंद बेरवा को घेरा जा रहा था और अब करीब एक सप्ताह बाद आरटीओ ने भी एक्शन ले लिया और उनका चालान काट दिया। चालान की कॉपी जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आखिर डिप्टी सीएम के बेटे का भी चालान आरटीओ ने काट दिया, अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। आखिर क्यों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा अपने बेटे का पक्ष ले रहे थे? क्योंकि वह अपने बेटे का पक्ष तो ले रहे थे लेकिन उनका बेटा खतरनाक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा था, अपने साथियों के साथ रील्स बनाते हुए नजर आ रहा था। लेकिन अब जिस तरह चालान उनका कटा है, चर्चाएं होना तो लाजमी है और चर्चाओं का दौर अब शुरू हो चुका है। बसंत पांडे, TV9, जयपुर।